ये भी देख रहा बा डीलर भाई लोग के भी हाथ जोड़त तली, ये दो चार महीना नहीं है कमाए तो क्या हो जाए। आया सिकंदर जो दुनिया में उसके होठों पे वाली थे, गया सिकंदर जो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हम डीलर लोग के हाथ जोड़ब, डीलर भाई लोग के कहब कि कहीं राउ डीलर ही ना छीना जाए, कहीं रौरा पर चाँच मत बढ़ जाए। एक खातिर तुम सचेत रहें, ये महामारी में अगर आधा किलो दो किलो ना ही चोरी करब तो क्या हो जाए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। भोजपुरी स्टाइल में राशन के बेईमान डीलरों को चेतावनी दी गई है। इस कोरोना काल में भी जिस तरह से राशन की कालाबाजारी हो रही है, उसे लेकर लोरिया के विधायक विनय बिहारी ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने राशन के बेईमान डीलरों को चेतावनी दिया है। आपको बता दें कि लोरिया विधायक विनय बिहारी ने 5 मिनट 56 सेकंड का एक वीडियो वायरल कर कोरोना काल के दौरान फ्री में मिलने वाले राशन के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया है। इस वीडियो में विधायक ने भोजपुरी भाषा में अपलोड किया है, ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से इस वीडियो को समझ सके। आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से विधायक विनय बिहारी ने उन बेईमान डीलरों को भी चेतावनी दी है, जो इस महामारी में भी राशन कटौती से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही फ्री में मिलने वाले राशन का भी पैसा वसूल कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधायक के इस चेतावनी के बाद उन गिद्धी रूपी डीलरों पर कितना प्रभाव पड़ता है, जो गरीबों की थाली पर टकटकी लगाए बैठे हैं। क्या कुछ कहना है लौरिया विधायक विनय बिहारी का, और किस तरह से उन्होंने भोजपुरी अंदाज में डीलरों को चेतावनी दी है, देखिए इस वीडियो में। जय जन्म धरती, जय जनता जन नारायण। हमरा और विनय बिहारी, हम आज सामने आयल बनी बात कहतनी अपना राशन के उठाव से संबंधित। कुछ शिकायत आयल बटे हमरा लगे। पहले राशन के बारे में हम बताई कि ये महीना मतलब 5वां महीना में जौन राशन के व्यवस्था कैल गई बटे, वो में 5 किलो अनाज बिहार सरकार से और 5 किलो अनाज भारत सरकार से, मतलब एक व्यक्ति पर, एक यूनिट पर, एक आदमी पर 10 किलो अनाज, 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ। अब 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ देवक बा एको पैसा नहीं खेलोगे। हम डीलर लोग के हाथ जोड़ब, डीलर भाई लोग के कहब कि कहीं राउ डीलर ही ना छीना जाए, कहीं रौरा पर चाँच मत बढ़ जाए। एक खातिर तुम सचेत रहें, ये महामारी में अगर आधा किलो दो किलो ना ही चोरी करब तो का हो जाए। शिकायत ना ही पहुँचे के चाहिए, ये शिकायत बहुत खराब चीज है। काहे कि हमके कहीं कहीं से पता मिलल है कि 5 किलो अनाज के पैसा लिया आता है, आप 5 किलो अनाज फ्री कर जाता, जबकि 10 किलो अनाज फ्री बा। कुछ ऐसनों पंचायत बा जहाँ उठाव नहीं कर, मौसम खराब होखला के वजह से आधा उठाओ भाई, आधा नहीं क्या उठाओ भाई, तो आधा बटाता, 5 किलो अनाज बटाता एक यूनिट पर। मान लीजिए कोनो परिवार के 10 सदस्य बात, ओकरा 50 किलो भेल, आ 50 किलो मोदी जी वाला भेल, भारत सरकार वाला भेल 100 किलो भेल, तो 100 किलो भेल तो 50 किलो अभी मिलता, तो आगे वाला जो 50 किलो वो बटाए के चाहिए। एगोरी 5-6 जगह से शिकायत हला हमरा लगे कि चावल में कंकड़ मिलता, भूसा भूसी मिलता, खराब चावल मिलता। तो हम डीलर भाई लोग से आग्रह कर कि माननीय मंत्री जी भी कहले बनी कि अगर डीलर ऐसन चावल और गेहूँ के अगर वितरण करता आ शिकायत आई तो उनका डीलर आई गई। लेकिन हम कहब चावल तो रौरा घर बनत नहीं, तो अब रुआ बाँटत कहे बहन, रुआ अगर खराब चावल आयल बा, खराब गेहूँ आयल बटे, तो रुआ ओकर शिकायत करी MO बढ़न, DSO बढ़ा, BDO साहेब बना, CO साहेब बना, हम बानी केहू के लगर हो गए, 5 आदमी 7 आदमी बा, एमें केहू के लगर हुआ। अगर जाके कहब केहू के भी, सख्त निर्देश बा जिला पदाधिकारी के जी, अगर इस तरह के कोनो अगर सूचना प्राप्त होता तो अब रो ब्लॉक में भेंट करी, विधायक जी से भेंट करी, बात करी। लेकिन ए तरीका के गंदा चावल के वितरण ना करी, जौना में 2 किलो चावल होकर तो आधा किलो कंकड़ होके, आ कंकड़ बिनत बिनत मेहरारू के पसेना छूट जाए, कौन औरत के फंसेना छूट जाए। तो हमारा कहे का मतलब बा कि कौनो तरह का ऐसा गलती नहीं करे के। जे भी भाई हमारे वीडियो देखता, हम हाथ जोड़ के 10-9 जोड़ के कहब कि अपने ये वीडियो के देखी, शेयर करी, और जे भी गरीब आ ओकरा के शिक्षा दी कि ठगाए के नहीं खे,
ये पांचवा महीना में अनाज एक यूनिट पर एक व्यक्ति पर 10 किलो मिलता बिना पैसा लिए। कहीं कहीं लोग कहता कि 5 किलो पैसों वाला मिली का ना भैया, जौन पैसों वाला मिलत रहन तौनों नीतीश बाबू फ्री कर दल, बिहार सरकार फ्री कर दल बा, आ भारत सरकार अलगे से 5 किलो देता। मतलब बिहार सरकार और भारत सरकार के संयुक्त सहयोग से ये आफत में ये महामारी में 10 किलो अनाज फ्री मिल रहा बा। और ये 10 किलो अनाज में कहीं कटौती होता ओकर शिकायत करी, केहू कंकड़ मिला के बेचता चाहे कंकड़ मिलल चावल होता ओकर शिकायत करी, कहीं केहू पैसा लेता ओकर शिकायत करी। और ध्यान रखी ये महामारी में ये 10 किलो चावल आपका है, आपके लिए है, फ्री है, एक रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं इस माह के लिए। अगले माह के लिए भी सरकार तुरंत घोषणा करेगी, जिस तरह की स्थिति रहेगी, जिस तरह की परिस्थिति रहेगी, उस तरह का निर्णय लिया जाएगा। आप सभी जितने हमारे भाई बंधु हमके देख रहल बनी, हाथ जोड़ के विनती करतने कि अपने ही बात के लोग तक पहुँचाई। आ जे भी देख रहल बा डीलर भाई लोग के भी हाथ जोड़त, ये दो चार महीना नहीं है कमाए तो का हो जाए। आया सिकंदर जो दुनिया में उसके होठों पे वाली थे, गया सिकंदर जो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। मेरा कहने का मतलब है कि इस महामारी में वो हिंदुस्तानी एकता का परिचय दिखाना है, अपनी दिलेरी का परिचय दिखाना है। और एक छटाक अनाज भी कम मत दीजिए और किसी से पैसा मत लीजिए इस महीने का, जब सरकार फ्री कर रही है तो आप भी अपनी दिलेरी दिखा दीजिए। और तमाम गरीब बंधु से हम कहतनी कि एकदम पैसा 10 किलो के नहीं। हाँ, एगो शिकायत आयल बटे कि बहुत जगह मौसम खराब भैया के वजह से अनाज नहीं खाइल, आधा आइल बा आधा नहीं खाइल, कोनो पंचायत में उठाओ भइल बा कोनो पंचायत में नहीं खेल, ठीक बा। जबे मिले जैसे मिले, मौसम जैसे ठीक होके जैसे आवे, एकदम अगर 5 किलो अनाज एक यूनिट पर भी देले बने तो 5 किलो बकिया हुआ भी दे दी। और बिना पैसा के ही राशन मिल रहा बा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी, सामाजिक दूरी बनाई, मास्क लगाई, हम देखी मास्क रखले बनी, बाकी लगौले नहीं खी ऐसे के लगाए तो बोले में तनी दिक्कत हुई, रुआ सुने समझे में दिक्कत हुई, मास्क लगाई। और कोरोना में जोन भी डॉक्टर सीख धरल बा उस सीख के हिसाब से रही, देश कोरोना के जंग जीती, हमने के फिर जैसे पिजड़ा के पंछी बहिल बन जा, स्वच्छंद पंछी होखब जा, उड़ब जा, इस मौसम माहौल आई। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी, जय जनता जनार्दन।